अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी मेमोरी कार्ड को, यानी कि उसकी जो स्पेस है उसको इनक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सवाल कई लोगों का, यानी कि कई लोगों का है, उनके जहन में भी होगा और वो पूछते भी होंगे। लेकिन मेरे भाई, मैंने ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है किसी भी मेमोरी कार्ड की जगह को कैसे बढ़ाएं। सच ये है कि किसी भी कार्ड को बगैर किसी उस के यानी कि इंस्ट्रूमेंट के नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे कि एक चिप लगाते हैं, वो 4 GB की है, उसको बदल कर हम 8 GB की लगा सकते हैं, लेकिन वो उसमें कंपोनेंट की तब्दीली भी होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ट्रेंड मौजूद है कि हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि कैसे मेमोरी कार्ड USB की स्पेस बढ़ाएं, और हमारे यहाँ फ्राडिये जो हैं वो बता देते हैं कैसे, बताते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है हमारे हमारे यूट्यूबर जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपलोड किया हुआ है, मैं आप इसका सच और झूठ बताऊंगा। ये सरासर झूठ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर, अगर आपको ये कोई भी सॉफ्टवेयर मिले तो आपने इसको डाउनलोड करके अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आप मेहरबानी करके किसी को भी ये SD डाटा के, ये देखे, मैंने वीडियो भी सेव किया, 100% 100% हाउ टू इंक्रीज द SD, ये देखें देखे देखे, ठीक है। ये इसने शुरू से बड़ा लगाया जी, मुझे सब्सक्राइब करें, मैंने ये देखें, ठीक है, SD डाटा, ये इसने टूर रन किया, ये देखें, ये सरासर झूठ है। मैंने इसको लगाया, मैंने इसको बूटेबल बनाया, फिर भी मेरी मेमोरी उतनी ही रही, लेकिन ये शो नहीं कराती, बल्कि मेरा मेमोरी कार्ड इसने करप्ट कर दिया है। आप मेहरबानी करके इसको ना देखें। मैं ये वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि किसी और का नुकसान ना हो। ये देखें, इसने वायरस निकाल दिया। मैं आप इसको अगर फिक्स भी करता जाऊँगा तो ये वायरस उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको, ये देखें, मेरा तो नुकसान हुआ है, लेकिन मैं तो इसकी भरपाई तो करूँगा ना। अब वो भरपाई कैसे करनी है, ऐसे ही इन लोगों के फ्रॉड को आपके सामने ला के, ये देखें, कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग, मैं आप इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। ये तो हो ना विंडो का, ठीक है, विंडो बता रहा है ख़राब है जी। ये देखें, रिमूवेबल डिस्क आ गई है। अब मैं देखते हैं, ये देखें, अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, ये देखें, ये देखें, स्टार्ट किया, ओके पे किया, थोड़ी देर बाद ये द डिस्क इज राइट प्रोडक्टेड, ये कभी भी फॉर्मेट नहीं होगी। लेकिन मैं इसका हल ढूंढ के आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। आप ये देखें, मैंने इसको फिक्स भी किया था, लेकिन ये फिर भी, मैं अपना कंप्यूटर नहीं ऐसा करना चाहता, मैं इसका हल ज़रूर ढूंढूंगा और आपके सामने ज़रूर भी लेके आऊंगा। तो मेरे भाई, आज की वीडियो का मकसद था कि किसी भी फ्रॉड, यानी कि USB की मेमोरी कभी भी नहीं बढ़ सकती बगैर किसी कंपोनेंट को ऐड किए, बगैर किसी भी सॉफ्टवेयर से। आप अपना मेमोरी कार्ड या USB ख़राब मत कर लेना, ठीक है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है क्योंकि मुझे आपका एहसास है। सो प्लीज़ प्लीज़ ऐसी वीडियो पे यकीन ना करें। तो फिर ठीक है, मैं, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ब्लॉग, मेरी दूसरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।